हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें बोला है इवेलुएट द प्रोडक्ट ए बी। सबसे पहले आपने ए और बी का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब आपने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना तो सीखा ही है, तो उनको लिख देते हैं पहले एंट्रीज़ को। इसका प्रोडक्ट करना है बी के साथ, यानी 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ठीक है। अब प्रोडक्ट करना सीखा है तो क्या आएगा, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 2 + 4, यहाँ आएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ होगा 2 2 जा 4, यहाँ होगा माइनस का 12 और ये होगा प्लस का 8, और आगे होगा 2 2 जा 4 और 6 और माइनस का 4, नेक्स्ट में होगा माइनस का 8, माइनस का 12 और 20, और थर्ड में होगा 0, माइनस का 4, प्लस का 4, फिर होगा 0 2 और -2 और 0 - 4 + 10। ये आया प्रोडक्ट ए बी। इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू 6i। ये आया आपका ए बी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ए इनवर्स निकालने की बात करूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को नीचे ले आऊँ तो ये आएगा ए बी ओवर 6 इक्वल्स टू आई, ठीक। यानी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ए मैट्रिक्स इन टू 1/6 ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखना अभी यहाँ से आपको पता है, अगर ए और दूसरी मैट्रिक्स बी इनका प्रोडक्ट करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोल सकते हैं ए का जो इनवर्स होगा, ए का इनवर्स वो क्या होगा, बी। यानी ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे आपस में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ हुई कि ए को और इसको प्रोडक्ट करने पे आई मिला, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा 1/6 ऑफ बी मैट्रिक्स के। ये यूज़ होगा आगे, ठीक है। इतना समझे एक चीज़। अब आपने फाइंड आगे क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन दी थी तो सेम मैट्रिक्स मेथड से ए मैट्रिक्स लिखूंगा, क्या बनेगी, 1 - 1 0, दूसरा बनेगा 2 3 4 और थर्ड से बनेगा 0 1 2। ए मैट्रिक्स बन गई, एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी, XYZ, और बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 3 17 7। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पता है ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा, और आपने एक्स मैट्रिक्स निकालनी है तो वो होगी ए इनवर्स बी। अब इस ए का इनवर्स मत निकालने लग जाना, अब आपको ए इनवर्स के लिए डायरेक्ट ये दे दिया कि ए इनवर्स जो आएगा आपका वो ये होगा। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ए इनवर्स की जगह 1/6 ऑफ बी इंटू बी, बी की जगह कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ ये बी अलग है तो इसको डी लिख लिया, ठीक है। ये जो बी आया था ये अलग बी था ना, और ये डिनोट कर दिया डी से, यानी ए इनवर्स ऑफ डी और ये डी, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल्स टू 1/6, बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, बी मैट्रिक्स क्या दी है, बी मैट्रिक्स आपको दी है 2, ये वाली 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 -4 2 -4 और 2 - 1 5 2 - 1 5, ये, और डी मैट्रिक्स है 3 17 7। तो एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, 1/6 एज इट इज़ लिख दूँ और इनको प्रोडक्ट करोगे तो क्या क्या बनेगा, ये आएगा 12, डायरेक्ट लिख दिया, -6 24, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 - 1 4, और x था क्या आपका, XYZ, यानी x की वैल्यू 2i, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 4। ये आंसर आप देख लो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 4, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया।